नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश से सौरभ सिंह की खास रिपोर्ट। आइए आपको बताते हैं, बस्ती जिले के एक नर्सिंग होम में जच्चा की हुई मौत, यानी मां की हो गई मौत। वह मां के पेट से बच्चा हो गया चोरी। इस मामले की जांच स्वास्थ्य महकमा कर रहा है। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। स्वास्थ्य विभाग के रहमो करम पर फल फूल रहे शहर में संचालित नर्सिंग होम गर्भवती माताओं और शिशुओं के लिए यमराज साबित हो रहे हैं। आए दिन ऐसे मामले में प्रकाश में आते रहते हैं, जहां नर्सिंग होमों में चिकित्सकों या प्रबंधक की लापरवाही से जच्चे बच्चे की मौत असमय हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग बिना सत्यापन के मुंह मांगा घूस लेकर रेवड़ियों की तरह नर्सिंग होमों को सीना ठोक कर सेंटर चलाने का लाइसेंस देती आ रही है। ऐसा ही एक हृदय विकारक घटना कोतवाली क्षेत्र के कैली रोड पर जामडी में स्थापित प्राइवेट नर्सिंग होम न्यू अवध हॉस्पिटल के प्रबंधक और चिकित्सकों के घोर लापरवाही के चलते हुआ, जिसमें 28 वर्षीय गर्भवती मां प्रतिभा पांडे की अकारण मौत हो गई। उसके पेट से बच्चा कहां गया, यह रहस्य बना हुआ है। इस घटना को लेकर स्वास्थ्य महकमा और अस्पताल प्रबंधक के हाथ पांव फूल रहे हैं। जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के फरेनिया गांव निवासी अमित पांडे पुत्र ओम प्रकाश पांडे ने बताया कि उनकी पत्नी 28 वर्षीय प्रतिभा पांडे को दो बच्चों की मां थी। तीसरा बच्चा पेट में था। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक 21 अप्रैल को 9 माह का बच्चा पूरा हो गया था, लेकिन उस दिन तक पत्नी प्रतिभा को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी उनका चेकअप कराने के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित के परिवार वालों की आप बीती। डेथ हो गई यार, कैसे हुई प्रतिभा जी? मैं तो था ही नहीं, मैं तो बंगलोर था। तो हमको 1 बजे रात को पता चला, फ्लाइट पकड़े दूसरे दिन। सोमवार को मैं यहाँ वापस आया तो लोग बताने लगे पूरी स्थिति। और मौत हो गई तो अपने बच्चे यही बता रही थी कि जो है पेट में बच्चा था, नहीं हिला उला के देखी। बच्चा होता तो कड़ा रहता पेट, पेट कड़ा था नहीं, ऑपरेशन हुआ था, पट्टी लगी हुई थी। बड़ा ऑपरेशन किया गया था? बड़ा ऑपरेशन। लापरवाही हुई है नर्सिंग होम की तरफ? लापरवाही तो है ही है, अगर ऑपरेशन किए तो उनको बताना चाहिए। एक पैसा भी जमा भी नहीं कराए उससे। हमने पूछा तो कहा एक पैसा भी नहीं जमा कराए हैं, और इसको जो है हड़बड़ा करके बैठा दिए एम्बुलेंस पे। ये अकेले लड़का था, बेचारा नहीं समझ पाया। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने से पहले बताया गया था कि ऑपरेशन करने जा रहे हैं? कुछ नहीं, अब तो वही बताएंगे ना। कोई जानकारी नहीं दी गई? अभी अब आप लोग क्या चाहते हैं, जिस तरीके से मौत तो हुई, हमारे साथ जैसा हुआ ऐसे दूसरे के साथ भी वो करेंगे, तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए उनके ऊपर। कैसे हुई, क्या मामला था? मामला यही था कि हमें जब लेके गया यहाँ से बस्ती, चेक करवाने के चक्कर में लेके गया तो महिला हॉस्पिटल। क्या चेक कराना था आपको? डिलीवरी केस था, तो थोड़ा जाँच करवाने के चक्कर में लेके गया था। कितने दिन हो गए थे? 9 महीना चालू हो गया था। हल्का बहुत नॉर्मल दर्द था, हल्का। मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके गया। उसके बाद जो है महिला हॉस्पिटल में बस्ती लेके गया, तो वहाँ से जो है डॉक्टर ने प्लेटनेस चेक करवाया। चेक करवाने के चक्कर में हमने ले गया, चेक करवाया, उसके बाद लेके आया तो 84,000 निकला। तो डॉक्टर बोला कहीं आप प्राइवेट में भर्ती कर दीजिए, यहाँ नहीं हो पाएगा। महिला अस्पताल के डॉक्टर ने कहा? हाँ, भर्ती ले लिया, अंदर दवा चालू हो गया, अंदर हमको जाने भी नहीं दिए। क्या बताया वहाँ डॉक्टर? वहाँ नर्स बोला यही कि जो है नॉर्मल होने का चांस है, दवा चल रहा है, 2-3 घंटा देख लेते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। तो हमने 7 बजे तक इंतजार किया, 7 बजे तक कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने 7:30 बजे के आसपास हमको बताया भी नहीं, डायरेक्ट बाहर निकाल दिया। आपकी पत्नी? हाँ। क्या हालत थी उस वक्त उनकी? बाहर निकाला तो उसमें जब एम्बुलेंस डॉक्टर वॉक्टर सब बुला लिए, एम्बुलेंस हमको पता भी नहीं चला। जब वो लोग बुला लिए एम्बुलेंस तो उसमें एक ग्लूकोज बोतल लगा था, उसके बाद ऑक्सीजन लगा के गाड़ी में रख दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो है
इनको तुरंत जल्दी से लेके जाइए कहीं भी आप, चाहे गोरखपुर या लखनऊ। क्या हुआ बताया नहीं? वो यही बोले कि जो है इनका बीपी बहुत हाई है और हार्ट का प्रॉब्लम है। हाँ, बच्चा कहाँ, ये नहीं बताया? नहीं, ये कुछ नहीं बताया। तो ऑपरेशन के नहीं था, बताया ही नहीं। फिर आप लोग लखनऊ लेके गए? हाँ, लखनऊ लेके गए। वहाँ क्या बताया डॉक्टर? वहाँ डॉक्टर ने मुझे पोस्ट कर दिया। यहाँ जब औरतें नहलाने लगी तब पता चला कि हाँ ऑपरेशन हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं पता था। अब ये तो नहीं मालूम है, जब वहाँ पता ही नहीं चला ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ लाने पर पता चला कि हाँ ऑपरेशन हुआ है। अभी भी नहीं मालूम है बच्चा है कि नहीं है, ये तो नहीं मालूम है। जो लोग थे, औरतें थी, क्या बताएं, बच्चा नहीं पहुँचते थे, तो लग रहा था उनको ऐसा आभास हो रहा, अपने हिसाब से चेक किए होंगे वो लोग भी। वो लोग, कुछ लोग तो बोल रहे थे कि जो है नहीं है बच्चा उसमें ऐसा पेट में। मौके पर आया हूँ, जो है उसको डीएम साहब ने उसको संज्ञान में लिया और उसको सीएमओ साहब को फ़ोन किया, सीएमओ साहब मुझे बोले और कल जा करके इनकी ओटी और जो पेशेंट यहाँ भर्ती था उसकी आईपीडी ओपीडी क्या जांच किया, कौन एनेस्थीसिया दिया, कौन ऑपरेट किया और ये सब मुझे देखने के लिए भेजा गया था। अब मुझे ओटी तो मैंने सील कर दिया है, ठीक। अब इनको 3 दिन का टाइम देंगे, सारे अभिलेख प्रस्तुत करें, अन्यथा की दशा फिर जो है उच्च अधिकारी सूचित कर दिया जाएगा और फिर वो प्रशासनिक कार्रवाई कर दी। सर आप यहाँ आए थे, यहाँ पर ना डॉक्टर आपको मिले हैं, ना यस मुझे यहाँ मिले अस्पताल के, ना कोई यहाँ भगवान भरोसे छोड़े गए हैं। यस, ये सही बात है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दो ऑपरेटेड हैं, ये दो ही जो है सीजर हुआ है। यहाँ 24 आवर्स डॉक्टर होने चाहिए मरीज को देखभाल करने के लिए, लेकिन जो है ये घोर लापरवाही इनकी है। ना तो कोई स्टाफ नर्स यहाँ पे है और ना कोई डॉक्टर यहाँ पर है, कोई नहीं है। ऐसी दशा में सर सील करने की कार्रवाई केवल ओपीडी की ही क्यों? ओटी इसलिए सील किया गया है और अस्पताल खोल दिया गया है क्योंकि हो सकता है अभिलेख कहीं रखे होंगे, अभिलेखों की वजह से और फिर मरीज की वजह से। कौन मरीज ऐसा ही, मरीज को हमें शिफ्ट नहीं कर सकते अभी, क्योंकि मरीज कौन ऑपरेट किया है, कौन दवाई दिया है, क्या दवाई दिया है, तो और कितनी दिन चलनी है, जो ऑपरेट किया है उसको वही देखेगा, उसे ये मेरे सुपरविजन में रहेगा। मैं दिन में भी अब आपको विजिट करूंगा मैं पेशेंट की हालचाल लेने के लिए और कौन डॉक्टर क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन क्या है। कल सर हम यहाँ आए थे तब बहुत से मरीज थे, 10 से नहीं, कल मैं नहीं आया था, मैं आया था और सर आज यहाँ सिर्फ 2 मरीज हैं और 2 ही मरीज का यहाँ पर पीएचडी मिली है जी। लगता नहीं आपको साजिश की गई और आपके आने से पहले इनको सूचना होगी? वीडियो हमारे पास है, आपको देखे होंगे जो है मरीज रहे होंगे। अब आज तो मरीज नहीं है, आज के 2 इंडोर पेशेंट 2 हैं, 2 सीजर के हैं। क्या मतलब आप हमसे आगे पूछ रहे हैं तो आप जिम्मेदार हैं? सर हम पूछ रहे हैं कि आप बैठिए। उस प्रतिभा पांडे की मौत हुई है, यहाँ पर इलाज कराने आई थी, कैसे हुई हमको ये बता दीजिए। सर हमें कुछ जानकारी नहीं, आप यहाँ बैठ रहे हैं अंदर ओपीडी में, आप कह रहे हैं कि हम ओपीडी में सर कहाँ बैठते हैं? बाहर रूम में बैठे हम ओपीडी में नहीं बैठते हैं, ओपीडी का काम नहीं है। कार्यकर्ता है तो आपको इतना तो पता ही होगा, ओपीडी सर हमारा काम है, हमारा काम है सिर्फ यही सामान। अच्छा बताइए कौन डॉक्टर उस समय थे, कौन देख रहे थे, अभी आप बताए ना डॉक्टर को। सर उस दिन हम थे नहीं, सही बात, कौन डॉक्टर का नाम बता देना। उस दिन हम थे नहीं, कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं जो ऑपरेट है। उस दिन जो है प्रोग्राम था हम लोगों का वहाँ खलीलाबाद में, मगहर में जी, उस मगहर में 21 तारीख के मगहर में ही प्रोग्राम था, मगहर में हम लोग उस दिन का था ना। यहाँ पे कौन कौन डॉक्टर कार्यरत है उनका नाम बता दीजिए। सर ये सब डॉक्टर हैं, क्या नाम है बताइए, आप यहाँ पे स्टाफ है ना, आप ही बता रहे हैं स्टाफ हैं तो बताइए ना। हम स्टाफ को मतलब सामान लाने ले जाने वाले स्टाफ हूँ। प्रतिभा पांडे का जो केस है उसके बारे में आपको कुछ पता है? कुछ जानकारी नहीं सर हमें। उसका बच्चा गायब है कह रहे हैं सर, परिवार वाले कुछ जानकारी नहीं इस बारे में सर। यहाँ जाँच टीम आई थी, जाँच करने मेडिकल की टीम आई थी सर। अभी तो हम कल घर से आए हैं, अभी रात में आए हैं, अभी रात में आए हैं। आप कुछ नहीं जानते हैं? हमें सर जानकारी नहीं। आप जानते हैं या मुँह नहीं खोलना चाहते? नहीं सर जानते नहीं है सर, मुँह काहे नहीं खोलेंगे सर, हमको तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, नहीं, आप लोग इस अस्पताल की कितनी शिकायतें आती हैं, हर बार यहाँ पर ऐसे केस होते हैं और आप लोग दबा ले जाते हैं उसको। इस बार बहुत संगीन मामला है, महिला का ओपीडी में आप लोग लेकर गए, उसके बाद उसका पेट चीर दिया गया, फिर उसको कह दिया गया आप मेडिकल कॉलेज लेके जाइए।